नमस्कार साथियों, NIOS की वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कोर्स 502 के विषय विशिष्ट विद्यार्थियों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को सुगम करने के लिए हमारे पास वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के सहायक आचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार जी हैं। डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज आप हमारे साथ विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट विद्यार्थियों के प्रकार अवधारणा पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अक्सर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की चर्चा की जाती है, आखिर ये विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कौन होते हैं? धन्यवाद ऋषभ जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि आजकल हर जगह चर्चा हो रही है समावेशी शिक्षा की, समेकित शिक्षा की, और विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाने की। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि विशेष आवश्यकता वाले बालक जो है, यह एक अपरिभाषित पद है, यह एक अनडिफाइंड टर्म है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है इस संसार का शाश्वत सत्य है। कोई भी दो व्यक्ति जो है समान नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय होता है और विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो मनुष्य जो है अपने रंग रूप, अपने आकार, अपने सोचने समझने की क्षमता, अपनी अधिगम क्षमता, अपने समायोजन के तरीके, अपनी विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं जैसे कि बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि, स्मृति आदि सभी में प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है। विशेष आवश्यकता की अगर बात करें तो विशेष आवश्यकता में सामान्यतः उन बच्चों को रखा जाता है जो सामान्य बालकों से, एक औसत विद्यार्थी से, एक औसत बालक से अपने अधिगम आवश्यकताओं में भिन्न होता है। हालांकि जैसा कि ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि विशेष आवश्यकता जो है एक अपरिभाषित पद है, उसको किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी अद्वितीय है, हर आदमी एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन जो बच्चा अपनी आवश्यकताओं में एक औसत बालक से भिन्न हो, उसे विशेष आवश्यकता वाले बालक माना जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2014 के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न शारीरिक एवं या मानसिक क्षमताओं का सीमित होना, जो विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता एवं उससे होने वाले लाभ को सीमित कर देते हैं, वह विशेष आवश्यकता वाले बालक माने जा सकते हैं। इसका कारण कोई दीर्घावधि शारीरिक, संवेदी, मानसिक अथवा अधिगम अक्षमता हो सकती है, या कोई अन्य कारण ऐसा हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की अधिगम आवश्यकताएं उन व्यक्तियों से भिन्न होती हैं जो इन स्थितियों से प्रभावित नहीं हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन की विशेष आवश्यकता वाले बालक की यह परिभाषा जो है वो विशेष आवश्यकता के कई आयामों को उजागर करती है, जिसमें पहला आयाम है विशेष आवश्यकता का कि विभिन्न शारीरिक या मानसिक क्षमताओं का सीमित होना। विशेष आवश्यकता वाले बालक वो बालक माने जा सकते हैं जिनका किसी कारण से शारीरिक या मानसिक क्षमता सीमित हो गई है और जो उनको कक्षा में संपूर्ण सहभागिता में बाधा उत्पन्न करता है, संपूर्ण सहभागिता उनकी कक्षा के विभिन्न क्रियाकलापों में नहीं होने देता, साथ ही कक्षा में शिक्षण से जो उनको लाभ प्राप्त होना चाहिए था वो लाभ भी सीमित हो गया है, वो विशेष आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। एक और जो विशेष आवश्यकता का आयाम इस परिभाषा में उजागर होता है वो है कि इसका कारण जो है कोई भी दीर्घावधि, कोई छोटी अवधि का या कोई टेम्पररी प्रॉब्लम ऐसा हो जिसके कारण व्यक्ति की क्षमताएं सीमित हो गई हों, जो बाद में ठीक हो सकता हो और बाद में व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह फंक्शन कर सकता हो, तो उसको हम विशेष आवश्यकता में नहीं मानेंगे। विशेष आवश्यकता होने के लिए इस स्थिति को दीर्घावधि का, लंबी अवधि का, लंबे समय का होना आवश्यक है। तो कोई दीर्घावधि शारीरिक, फिजिकल, संवेदी, सेंसरी, मानसिक, मेंटल या फिर अधिगम से संबंधित अक्षमता हो सकती है। सारांशतः विशेष आवश्यकता वाले बालक वो बालक हैं जिनकी आवश्यकताएं जो है विशेष होती हैं इस संदर्भ में कि उनकी शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता सीमित हो गई है जो उनके अधिगम को प्रभावित करती है और वे उन व्यक्तियों की तरह
फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से शैक्षिक परिस्थितियों में, जो औसत श्रेणी के बच्चे हैं, सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं। आपने सम्यक तरीके से विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की परिभाषा की। अखिलेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, कितने तरह से हम इन्हें संप्रतिकृत करते हैं। जी धन्यवाद ऋषभ जी, आपका दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इस संदर्भ में चर्चा करना चाहेंगे कि कोई भी निःशक्तता युक्त बालक जो है पहले एक बालक है, निःशक्तता उसकी उसके बाद आती है। अतः शिक्षा का अधिकार उसका भी अधिकार है जो आम बालकों का अधिकार है। दूसरा कि जब भी हम वर्गीकृत करते हैं निःशक्तता युक्त बालक को, तब वहाँ का कानून, जिस भी देश के संदर्भ में हम बात करें, उस देश का कानून बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और निःशक्तता की परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए जो अमेरिका में निःशक्तता की परिभाषा है वह आइडिया से गवर्न होती है, आइडिया से निर्धारित होती है। आइडिया अर्थात इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक्ट 2004, इससे गवर्न होती है। और इसमें जो जो निःशक्तताएँ रखी गई हैं, जो जो दिव्यांगताओं की श्रेणियाँ रखी गई हैं, उस देश में सिर्फ वही श्रेणियाँ मान्य है। अगर हम अपने देश के कानून की बात करें तो हमारे देश में PWD कानून, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 1995 के अनुसार निःशक्तता की 7 श्रेणियाँ रखी गई थी। लेकिन वर्तमान समय में इस कानून में 2016 में संशोधन हो चुका है और निःशक्तता की श्रेणियों में एक बड़ा परिवर्तन आया है और निःशक्तता की टोटल 6 श्रेणियाँ रखी गई हैं, जिसमें 21 प्रकार की निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है। तो पहले जहाँ PWD कानून 1995 में 7 प्रकार थे निःशक्तता के, वहीं अब निःशक्तता की प्रकार बढ़ करके 21 हो गए हैं। और कहना नहीं होगा कि इन श्रेणियों में आने वाले सभी बालक जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बालक माने जाएंगे। आपने जिस तरीके से कानून की अवधारणा देते हुए विशिष्ट विद्यार्थियों की श्रेणियों की विवेचना की, उससे मन में कुछ उत्सुकता हो रही है कि आप इस निःशक्त जन अधिकार कानून के विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हाँ, निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 जो है उसमें निःशक्तता की जो 6 श्रेणियाँ रखी गई हैं, उसमें एक श्रेणी शारीरिक अक्षमता की है, दूसरी श्रेणी बौद्धिक अक्षमता की है, तीसरी श्रेणी मानसिक रुग्णता की है, चौथी श्रेणी अक्षमता जिसका कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार हो या रक्त विकार हो, ये है। पाँचवीं श्रेणी में बहुविकलांगता को रखा गया है और छठी श्रेणी में उन अक्षमताओं को रखा गया है कि कोई अन्य अक्षमता जो बाद में संसद के द्वारा नोटिफाई किया गया हो। हम एक एक करके देखेंगे कि इन श्रेणियों में कौन कौन से प्रकार की निःशक्तता या कौन कौन से प्रकार की अक्षमता पर विचार किया गया है और कौन कौन सी अक्षमता को समाहित किया गया है। अगर हम नए कानून के अनुसार अक्षमता के विभिन्न प्रकारों की बात करें तो उसमें पहली श्रेणी रखी गई है शारीरिक अक्षमता की, और शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में उप श्रेणी है चलन संबंधी अक्षमता, दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, वाणी एवं भाषाई अक्षमता। अर्थात शारीरिक अक्षमता की श्रेणी को 4 उप श्रेणियों में बांटा गया है, चलन संबंधी अक्षमता, दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता एवं वाणी एवं भाषाई अक्षमता। इनमें से जो चलन संबंधी अक्षमता में जो जो श्रेणियाँ रखी गई हैं वो हैं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हुए और बाद में कुष्ठ रोग ठीक हुआ लेकिन उनके अंगों की कार्यात्मक क्षमता को उसने प्रभावित किया, जैसे हाथ की उंगलियाँ ख़त्म हो गई हों, पैर की उंगलियाँ ख़त्म हो गई हों, तो उनके शरीर की कार्यात्मकता को प्रभावित करता है। हम प्रत्येक अक्षमता के प्रकार के बारे में और उनकी विशेष आवश्यकता के बारे में इससे अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। इस कक्षा में हम संक्षेप में सभी अक्षमताओं के बारे में जानते हैं। दूसरा जो है चलन संबंधी अक्षमता में प्रकार रखा गया है डिसेबिलिटी का, वो रखा गया है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी में सामान्यतः क्या होता है कि बच्चे के चलन संबंधी अंग, लिम्ब्स, हाथ पाँव, इनका जो संकेत मस्तिष्क की ओर जाता है वो संकेत किसी भी कारणवश मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता और इस वजह से वो काम, शरीर का वह जो अंग है, वह जो लिम्ब है, वो अच्छे से काम नहीं करता या काम नहीं करता पूरी तरह से, जो
समस्यात्मक होता है आदमी के लिए। तीसरी जो श्रेणी चलन संबंधी क्षमता में रखी गई है वो बौनापन है। कई बार बच्चे एक्सट्रीमली शॉर्ट हाइट के रह जाते हैं, वैसे हमारे कानून में इसको 143 सेंटीमीटर से कम की हाइट को बौनापन की श्रेणी में रखा गया है। हम इन सारे पे चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को रखा गया है चलन संबंधी अक्षमता में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आपको बताते चलें कि यह एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक रोग है जिसमें कि बच्चे की मांसपेशियां धीरे 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 उम्र के साथ गलने लगती हैं और एक अवस्था ऐसी आती है जब बच्चा जो है मांस का एक टुकड़ा सा रह जाता है, चलने फिरने में उसको दिक्कत। और सबसे दुखद यह है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पता अगर प्रीनेटल प्रोसीजर्स यूज नहीं किए गए हैं, अर्थात ऐसा संदेह न हो, तो बच्चे के जन्म के काफ़ी बाद पता चलता है। बच्चे के जन्म के 4-5 साल 6 साल बाद पता चलता है, जब बच्चा चलते चलते फ्रीक्वेंट गिरने लगता है और उसकी स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है, तब पता चलता है कि बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार है। और इसमें भी इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे ड्यूसीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें ड्यूसीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सबसे सीवियर फॉर्म का है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसमें बच्चे में चलन संबंधी अक्षमता सबसे प्रमुख है। इसके अलावा जो एक और कैटेगरी रखी गई है चलन संबंधी अक्षमता में, वो एसिड अटैक प्रभावित व्यक्ति हैं। एसिड अटैक प्रभावित व्यक्ति जो है वो कई प्रकार के सामाजिक और शारीरिक कठिनाई महसूस करते हैं और आजकल जैसा कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग समाचार चैनलों पे एसिड अटैक के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पहली बार भारत सरकार ने एसिड अटैक को शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में चलन संबंधी अक्षमता में शामिल किया है। जो दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी बी शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत, वो है दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता को भी दो श्रेणियों में रखा गया है, एक अंधता ब्लाइंडनेस को रखा गया है जिसमें कि आदमी को कोई भी दृष्टि न हो, जरा भी दिखाई न दे, और अल्प दृष्टि जिसमें कि आदमी को थोड़ी दृष्टि हो, सीमित दृष्टि हो। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी रखी गई है शारीरिक अक्षमता की, वो श्रवण बाधित बालकों की रखी गई है। इसमें भी दो कट रखे गए हैं, एक संपूर्ण बधिरता डेफनेस और दूसरा श्रवण कठिनाई हार्ड ऑफ हियरिंग। ये दो श्रेणियाँ रखी गई हैं शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 प्रकार की अक्षमता का वर्णन किया गया है शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में, 4 उपश्रेणियों के अंतर्गत। दूसरी जो श्रेणी रखी गई है अक्षमता की निःशक्तता की, वो है बौद्धिक अक्षमता। और बौद्धिक अक्षमता में 3 उपश्रेणियाँ रखी गई हैं, एक बौद्धिक अक्षमता, दूसरा विशिष्ट अधिगम अक्षमता और तीसरा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इन तीनों के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। बौद्धिक अक्षमता जो है वो इसका तात्पर्य उस अक्षमता से है जिसमें कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है सीमित रह जाती है, बौद्धिक क्षमता सीमित रह जाती है। यह एक अवस्था है जिसमें कि बच्चे की बुद्धि लब्धि सीमित रह जाती है। अक्सर 70 और उससे नीचे IQ वाले को बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में मानते हैं। दूसरा विशिष्ट अधिगम अक्षमता। विशिष्ट अधिगम अक्षमता भी एक बहुत ही सामान्यीकृत पद है जिसमें कि कोई भी नोन कारण ना हो और फिर भी बच्चे में कुछ विशेष प्रकार की अधिगम संबंधी समस्याएं पाई जाएं तो उसको विशेष अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे बच्चे में पढ़ने के संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे में लिखने से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ने संबंधित प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित समस्या या गणितीय कार्य करने से संबंधित समस्या, बच्चे में डिसकैलकुलिया हो सकता है। या फिर तीसरा जो निःशक्तता का प्रकार रखा गया है इसमें, वो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में 2 मुख्य चीज़ें देखने में आती हैं। एक कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर होता है या लगभग नहीं के बराबर होता है, और दूसरा बच्चे में सीवियर जो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। बच्चा जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बच्चे में शाब्दिक विकास नहीं हो पाता है। सबसे पहले ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का वर्णन जो है वो लियो कैनर ने किया था। लियो कैनर ने 1942 के आसपास एक पेपर लिखा था ऑटिस्टिक डिस्टर्बेंसेज ऑफ अफेक्टिव कॉन्टैक्ट, जिसमें उन्होंने कुछ केस स्टडी प्रस्तुत की थी। उसमें ऐसे बच्चे थे जो लगभग अक्सर अपने आप में ही खोए रहते थे और जिनका सामाजिक इंटरेक्शन बिल्कुल कम या नहीं के बराबर था, और साथ ही जिनका कम्युनिकेशन जो है वो भी उपयुक्त रूप से विकसित नहीं था। तीसरा जो कंडीशन रखा गया है मानसिक रुग्णता का,
इसमें गंभीर मानसिक रोग रखे गए हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया या एंग्जाइटी डिसऑर्डर या साइकोसिस, इस प्रकार के मानसिक रोग जिनको कि ठीक किया जा सकता है उनको रखा गया है। मानसिक रुग्णता के बाद जो दो श्रेणियां रखी गई हैं वो है गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार और रक्त विकार। जो चौथी श्रेणी रखी गई है अक्षमता की, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला वह निसक्तता जिसका कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार हो, इसमें वो रखे गए हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस रखे गए हैं, और दूसरी जो श्रेणी रखी गई है वो पार्किंसन डिजीज की रखी गई है, और जो दूसरी श्रेणी रखी गई है वो रक्त विकार की रखी गई है। पहली बार तीन प्रकार के रक्त विकार अक्षमता की श्रेणी में शामिल किए गए हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। इसमें बताते चलें सामान्य शब्दों में, हीमोफीलिया जो है वो रक्त का थक्का न जमने से संबंधित बीमारी है। हीमोफीलिया के जो मरीज हैं ये सब तीनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और रक्त से संबंधित हैं। हीमोफीलिया में जो हीमोफीलिया का मरीज होता है उसके शरीर में अगर एक बार ब्लीडिंग शुरू हुई तो वो लगातार होती जाती है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, इस वजह से उसके शरीर से रक्त का बहना नहीं रुक पाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट करता है हीमोफीलिया का केस। साथ ही दूसरी जो श्रेणी रखी गई है वो थैलेसीमिया की है। थैलेसीमिया भी एक जेनेटिक रक्त संबंधित विकार है जिसमें कि एबनॉर्मली लार्ज हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और तीसरा जो है सिकल सेल डिजीज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है सिकल का अर्थ होता है हंसिया, तो जो इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह डिस्क शेप के न होकर के सिकल्ड होते हैं। सिकल का मतलब हंसिए के साइज के या अर्धचंद्राकार होते हैं, और इस वजह से हीमोग्लोबिन जो शरीर में फंक्शन करता है ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुँचाना, वो प्रभावित होता है। इन सब के बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये तीन रक्त विकार रखे गए हैं चौथी श्रेणी में। चौथी श्रेणी जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार का और दूसरा भाग है रक्त विकार का। दो न्यूरोलॉजिकल विकार रखे गए हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज, और तीन रक्त विकार रखे गए हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। इसके अलावा जो अगली श्रेणी रखी गई है वो बहुविकलांगता की रखी गई है, मल्टीपल डिसेबिलिटी की। कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे में एक के साथ साथ दूसरी विकलांगता भी पाई जाती है, जैसे बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन के साथ ऑटिज्म का पाया जाना, बच्चे में ब्लाइंडनेस के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन का पाया जाना, बच्चे में हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ ऑटिज्म का पाया जाना, हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पाया जाना। तो इस प्रकार का जो विकलांगता का क्षमता का कम्बिनेशन एक से ज़्यादा हो किसी व्यक्ति में, तो उसको बहुविकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। ये भी बच्चे के संपूर्ण जीवन को बहुत गहरे में बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करता है। और छठा जो श्रेणी रखा गया है अक्षमता का वो है कोई भी अन्य ऐसी अक्षमता जिसको कि भारतीय संसद जब भी चाहे और उसको नोटिफाई करे उसके अनुसार नोटिफाइड हो। तो इस प्रकार अगर भारतीय संदर्भ की बात करें तो हमारे वर्तमान भारतीय संदर्भ में निःशक्त जन अधिकार कानून के अनुसार कुल 6 श्रेणियों में 21 प्रकार की अक्षमताओं का वर्णन किया गया है, या फिर इसको कह सकते हैं 21 प्रकार के दिव्यांग व्यक्ति या 21 प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बालक जो है वो भारतीय संविधान ने स्पष्ट किए हैं और निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 ने बताए हैं। धन्यवाद अखिलेश जी, आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के अलग अलग प्रकारों पर चर्चा की। इस कक्षा को समाप्त करने से पूर्व हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कक्षा का सार भी प्रस्तुत करें। हाँ ऋषभ जी, आपने अच्छी बात कही। आज हमने ये जाना कि सबसे पहली बात जो जानी वो ये कि विशेष आवश्यकता वाले बालक जो है वो एक विविधतापूर्ण समूह है जिसकी आवश्यकता सामान्य बालकों से अलग है। वो आवश्यकता शैक्षिक भी हो सकती है, अन्य प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन अगर शिक्षा के संदर्भ में देखें विशेष आवश्यकता वाले बालक उस विविधतापूर्ण समूह से को संबोधित करता है जिसकी शैक्षिक आवश्यकता सामान्य बालकों से अलग है। इस समूह में निःशक्तता युक्त सभी बालक आते हैं और निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार कुल 21 प्रकार की निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है, और इन 21 प्रकार की निःशक्तताओं को 6 श्रेणियों में
विभाजित किए गए हैं। धन्यवाद अखिलेश जी आपके इस व्याख्यान के लिए। मैं NIOS की ओर से आपका विशेष रूप से आभार ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो मित्रों हम उठे और जाओ ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन वो भी एकदम आसान तरीके से जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया
पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय के लोच